हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल स्पोकन मास्टर। दोस्तों, क्या आप भी बीए में स्टडी कर रहे हैं या फिर आपका बीए कंप्लीट हो चुका है? अब आपके मन में भी एक डाउट होगा कि यार, बीए तो कंप्लीट हो चुका है, बीए तो चल रहा है, लेकिन बीए के बाद क्या करें? ऐसे कौन से ऐसे करियर ऑप्शन हैं जिन्हें हम चूज कर बीए के बाद लाखों रुपये तक अर्न कर सकते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बीए के बाद ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस को चूज करके लाखों रुपए तक अर्न कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बेस्ट करियर ऑप्शंस के बारे में जिन्हें आप बीए के बाद करके लाखों रुपए तक अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एमए की। दोस्तों, हाँ, आप एमए कर भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एमए की। तो दोस्तों, एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स। आप मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए कर सकते हैं बीए करने के बाद। आपका जो एमए होता है दोस्तों, वो 2 साल का होता है। आपको 2 इयर्स और अपनी स्पेंड करने पड़ेंगे बीए के बाद एमए करने के लिए। तो आप अब बात आती है कि एमए में आपका एडमिशन कैसे होगा। तो एमए में एडमिशन लेने के लिए जो शर्तें हैं वो है आपके ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, और एमए में एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है कॉलेज के द्वारा, तो वो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होगी, या फिर कई सारी कॉलेजेस में जो आपकी काउंसलिंग से भी एडमिशन हो जाता है, परसेंट वाइज पर मेरिट लिस्ट के आधार पर भी एडमिशन हो जाता है। तो आप एमए कर भी एक प्रोफेसर, एक टीचर बन सकते हैं, उसके बाद आपको बीएड भी करना पड़ेगा। ये था बीए के बाद एक अच्छा सा करियर ऑप्शन, आप एमए भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, और इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको मेरा बेस्ट ऑप्शन जो मैं करने वाला हूँ बीए के बाद। हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिए। चलिए अब हम बात करते हैं बीएड की। हाँ दोस्तों, आप बीएड करके भी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं बीए के बाद। तो देखिए, बीएड करने के लिए क्या शर्तें हैं? बीएड करने के लिए ये शर्तें कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, और साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन है वो 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अब बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होगा? तो देखिए, बीएड में एग्ज़ाम लेने के लिए वही शर्तें हैं, कोई सी कॉलेज उनके खुद की एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है, और बहुत सारी कॉलेजेस में मेरिट लिस्ट पर एडमिशन हो जाता है। तो बीएड 2 इयर्स का रहता है। कुछ साल पहले जो बीएड था वो 1 ईयर का था, लेकिन उसमें बदलाव करके उसे फिर से 2 इयर्स का कर दिया गया था। अभी भी हमारा जो बीएड है वो 2 इयर्स का है। आप बीएड कर एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। चलिए अब हम थर्ड नंबर पर बात करते हैं एमबीए की। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप एमबीए कर सकते हैं अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब्स में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप एमबीए करिए। ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट करियर ऑप्शन है अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, और आप एमबीए के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आप जानते होंगे आजकल नेटवर्क मार्केटिंग कितने ट्रेंड पर है। आजकल बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से भी अर्न कर रहे हैं। चले अब हम बात करते हैं हमारे 4th नंबर के करियर की, वो है दोस्तों LLB। हाँ दोस्तों, आप एक एडवोकेट बन सकते हैं बीए के बाद। जो LLB रहती है दोस्तों, वो LLB 2 इयर्स की रहती है। आप LLB कर एक एडवोकेट बन सकते हैं। अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आप बीए के बाद LLB करिए, 2 इयर्स की रहती है, उसके बाद आप एक एडवोकेट बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं 5th नंबर पर दोस्तों, वो है मेरा फेवरेट, जो मैं हमेशा से ही मेरा फेवरेट रहा है, वो है दोस्तों कोचिंग। दोस्तों आपने सही सुना। हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस वक्त गवर्नमेंट जॉब का कितना क्रेज़ है। हैविंग अ गवर्नमेंट जॉब इज़ अ ड्रीम, यू नो, सो वी नीड टू कंप्लीट इट, वी नीड टू फुलफिल इट। ओके गाइस, सो आजकल एक गवर्नमेंट जॉब भी होना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, तो आप बीए के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमारी बैंक PO, बैंक क्लर्क, CGL, आपकी IAS, PCA, MPPSC, UPSC, आप कई सारी ऐसी रेपुटेटेड जॉब्स में आप जा सकते हैं। आपके लिए बीए करने के बाद इन सभी के दरवाजे खुल जाते हैं। आप इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर इन जॉब्स को आसानी से पा सकते हैं अगर आप में हुनर है तो। दोस्तों, आपको क्या करना होगा, बीए के बाद आपको कोचिंग करनी पड़ेगी, और कोचिंग में आपके जो इन सभी जॉब्स हैं इनकी इंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्रैक करनी पड़ेगी, तब जाकर आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये जॉब्स भी आपके लिए बहुत ही अच्छी है दोस्तों। आप बीए के बाद इन जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए एक और ओपन डोर खुल जाता है।
उसके बाद हम बात करते अदर कोर्सेज की, अदर डिप्लोमास की वो क्या है आप जो कर सकते हैं। तो देखिए आप बीए के बाद पीजीडीसीए कर सकते हैं, पीजीडीसीए, हाँ दोस्तों कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट रहता है, एक डिप्लोमा रहता है, आप पीजीडीसीए करके किसी भी एक कंपनी में, किसी भी एक डिपार्टमेंट में एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर लग सकते हैं, वहाँ पर भी आपको 20-30 के अराउंड मिल सकते हैं। तो आप पीजीडीसीए भी कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बेहतरीन एक डिप्लोमा है जिसे आप हासिल कर कर अच्छी सी नौकरी आप पा सकते हैं। देखिए आप बीए करने के बाद एक पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, या गाइज आपने सही सुना, आप बीए करने के बाद पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं पॉलिटिक्स में अगर आपका राजनीति रहा हो, पॉलिटिकल साइंस रहा हो, तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार है, आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां रहती है जिन्हें एक एडवाइज़र की ज़रूरत रहती है, तो आप वो एडवाइज़र बन सकते हैं बीए करने के बाद। साथ ही साथ दोस्तों आप एक न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं। देखिए जर्नलिस्ट बनने के लिए आपको मास कम्युनिकेशन का कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद एक आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। आप देख रहे हैं आजकल किस तरह न्यूज़ चैनल को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, हर कोई न्यूज़ सुनना चाहता है, तो आप भी इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं और एक जर्नलिस्ट बन सकते हैं बीए करने के बाद। और साथ ही साथ दोस्तों अगली ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, हाँ दोस्तों आप बीए करने के बाद कॉल सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से कई कहेंगे कि कॉल सेंटर में कोई स्कोप नहीं है, लेकिन दोस्तों कॉल सेंटर में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। अगर आप मन लगाकर उसमें काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपका प्रमोशन होने के बाद आपको 1-2 लाख पर मंथ सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ करियर ऑप्शंस बीए के बाद। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।